जापान की कियो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने रोबोटिक पूंछ बनाई है। इसे पहनने पर इंसान को गिरने से बचाया जा सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक डिवाइस को कमर बंद की तरह तैयार किया गया है, जिसे कमर पर बांध कर इसमें लगी पूंछ का इस्तेमाल किया जा सकता है। गिरने की स्थिति में यह विपरीत दिशाओं में मूवमेंट करती है और गिरने से बचाती है। इसका नाम ही आरक्यू रखा गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस डिवाइस का समुद्री घोड़े से प्रेरित है। यह जलीय जंतु अपनी पूंछ से शिकार पर अटैक करता है और कई चीजों को एक साथ जकड़ने में सक्षम है। यह काफी लचीली होती है। रोबोटिक पूंछ को भी ऐसा ही तैयार करने की कोशिश की गई है। इसे पहनने वाले की लंबाई के मुताबिक छोटा या बड़ा भी किया जा सकता है। पूंछ में लगे छोटे छोटे खंड बढ़ा या घटा सकते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक पूंछ छोटे छोटे खंड से मिलकर बनी है। हर खंड भारी है, जो पहनने वाले को भारी सामान उठाकर चलने के दौरान बैलेंस बनाने में मदद करता है। रोबोटिक पूंछ में लगे हार्डवेयर का इस्तेमाल गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी में भी किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने फिलहाल इसका एक प्रोटोटाइप तैयार किया है, जिसे हाल ही में लॉस एंजलिस के वार्षिक अधिवेशन में पेश किया गया था। आरक्यू में कई तरह की रोबोटिक मांसपेशियां लगाई गई है। ये मांसपेशियां इसकी लंबाई और इसमें बनने वाले एयर दबाव से संचालित होती है। ये शरीर के मूवमेंट के आधार पर खींचती और सिकुड़ती है। शोधकर्ताओं का कहना है आरक्यू का इस्तेमाल एक कंकाल के तौर रोबोट में भी किया जा सकेगा, जो इंसानी क्षमता वाला है।